नमस्कार, मैं डॉक्टर सरिता कुमावत, होम साइंस की एसोसिएट प्रोफेसर, आपको क्रोशिया सिखा रही हूँ। क्रोशिया में आज हम ये चौकोर डिज़ाइन की किस तरह से हम चौकोर डिज़ाइन बनाते हैं, और चौकोर डिज़ाइन जो है वो किस तरह से इसमें जाली के द्वारा ये बनाई जाती है। तो चौकोर डिज़ाइन हो या गोल डिज़ाइन हो, सबसे पहले हम उसमें एक स्लिप स्टिच हमेशा ही लेते हैं। लेने के बाद में हम इसको सात चेन लेके और एक बीच का इसमें गोला बना लेते हैं, इस तरह से जैसे इसमें गोला बना हुआ है, सभी में गोला बना के। और हमने इसमें एक सिंगल क्रॉचेट से इसको फिनिश कर रखा है। सिंगल क्रॉचेट से फिनिश करने के बाद में जैसे ये गोला बना हुआ है और इसमें चार तरफ इन्होंने तीन तीन चेन से डबल क्रॉचेट कर रखा है, उसी अनुसार हम इसको एक बार तीन चेन ले लेंगे, 1 2 3, और फिर इसके साथ डबल क्रॉचेट इसके पास में से लेके और आप इसको डबल क्रॉचेट में बना देंगे, और वापस से इसी के साथ एक और डबल क्रॉचेट। अब उसके बाद में हमको एक यहाँ बनाना है, एक यहाँ बनाना है। इसके लिए अब हमको, चूंकि चौकोर डिज़ाइन बनानी है, इसलिए हम इसमें चेन डालेंगे, एक चेन, दो चेन, तीन और चार। चार चेन से ये वापस से चौकोर हो जाएगा और इस तरफ आ जाएगा। तो जितने इसके खंड हैं ये, वो हम चार भागों में बांट लेते हैं, और जो हर चौथा भाग है उससे हम इसको यहाँ डबल क्रॉचेट बना देंगे। डबल क्रॉचेट से ये इसको थोड़ा सा टाइट रखेंगे, नहीं तो बहुत जाली सी पड़ जाएगी, और इस तरह से ये एक हो गया। फिर इसी के पास में से लेके इसको दो और ये तीन। तीन हमने इसमें चेन बना दी। तीन चेन बनाने के बाद में अब जो है वो इस जगह आएगा, तो उसके लिए हमको वापस से दूरी बनाने के लिए 1 2 3 एंड 4, चार चेन वापस बना ली हमने। चार चेन बनाने के बाद में डबल क्रॉचेट ले लेंगे इसमें वापस से, और डबल क्रॉचेट से, डबल क्रोशिया से इसकी पहले जैसी ही इधर पास में जितनी लेंथ की चेन बनी है उतनी ही बन जाएगी। तीन लेनी है हमको इस तरह से, मतलब बीच में गोल डिजाइन है लेकिन ये चौकोर में कन्वर्ट होगी अभी। अब वापस से हम इसमें 1 2 3 एंड 4, चार ले ली, और चार के बाद में इसके बिल्कुल सामने हम यहाँ ले लेंगे डबल क्रॉचेट बनाना है, इस तरह से इसके पास में ले लेंगे,
अब वापस से यहाँ आने के लिए हम 1, 2, 3 एंड 4 ये चार चेन ले ली। और चार चेन लेने के बाद में जो इसकी पहली चेन है उसमें से हम एक स्लिप चेन लेके, स्लिप स्टिच लेके और ये चेन में इसको डाल दिया। और ये एक एक बार चौकोर पीस बन गया। चौकोर पीस बनने के बाद में हम वापस से इसको इस तरह से, जैसे ये चार बन गए, अब हमको इनके बाद का बनाना है। तो हम जो ये बना हुआ है उसके ऊपर हम चेन डाल देंगे 1। ये तो जो है वो लंबाई की चेन हो जाएगी और जो आड़ी चेन होएगी वो 1, 2, 3 ये आड़ी हो जाएगी। और उसके बाद में इस जगह हम ले लेंगे 1, मतलब जो बना हुआ है उसको अब की बार हमने खाली छोड़ दिया और जो जगह खाली है उस जगह हम चेन बना रहे हैं। एक हो गया, इसी के पास में एक और डबल क्रोचेट ले लिया, इसी के पास में एक और डबल क्रोचेट ले लिया। इस तरह से तीन हो गए। अब हमको ये चौकोर बनाना है इसलिए वापस से 1, 2, 3 एंड 4 ये कॉर्नर बन गया। अब वापस से हमको डबल क्रोचेट लेना है इसी में जहाँ गैप है वो हम बना रहे हैं और जहाँ गैप नहीं है भरा हुआ है उसको हम ऊपर से खाली छोड़ेंगे। ये दो चेन हो गई, मतलब दो चावल हो गए और फिर ये डबल क्रोचेट के तीन चेने एक साथ हो गए। इस तरह से ये चौकोर बन गया। अब जो है ये बना हुआ है तो बने हुए की जगह हमको खाली छोड़ना है। तो 1, 2 एंड 3 ये तीन चेन हो गई। तीन चेन के बाद में हम वापस से ये जो खाली जगह है इसको कवर करेंगे। तो इस तरह से ये डबल क्रोचेट ले लिया, यहाँ डबल क्रोशिया ले लिया, फिर वापस से इसी जगह तीन बार हम इसको तीन बार डबल क्रोशिया यहाँ बनाएंगे। तीन बार डबल क्रोशिया बनाने के बाद हमको चूंकि चौकोर डिज़ाइन बनानी है इसलिए 1, 2, 3 एंड 4 चार चेन हो गई। वापस से इसी गैप में हमको तीन बार डबल क्रोशिया बनाना है। ये एक बार हो गया, ये दो बार और ये तीन बार हो गया, ये तीन बार हो गया, ठीक है। फिर वापस से इसी के आगे हम जब चल रहे हैं और ये बना हुआ है तो बने हुए के ऊपर हम 1, 2 और 3 चेन डाल देंगे। वापस से जो नहीं बना हुआ है उसमें हम डबल क्रोशिया लेंगे, डबल क्रोशिया तीन बार डबल क्रोशिया लेंगे 1, 2 एंड 3 ये तीन बार डबल क्रोशिया हो गया। अब उसके बाद में हम 1, 2, 3 एंड 4 ये कॉर्नर बना लिया। वापस से हम इसमें डबल क्रोशिया लेंगे तीन बार,
तीन बार डबल क्रोशिया लेंगे, ये एक बार हो गया। ये दो बार और ये तीन बार। ये बहुत सिंपल जो स्टिच होती है वो हम अभी कर रहे हैं। वापस ये बना हुआ है तो बने हुए के ऊपर हमको नहीं बनाना है, जाली रखनी है। तो एक दो और तीन हमने चेन डाल दी, तो वापस से जो नहीं बना हुआ है उसमें हमको बनाना है। तो हम यहाँ तीन डबल क्रोशिया लेंगे। जो अभी जो हम ये सीख रहे हैं वो बिल्कुल जो बेसिक चीज़ होती है उससे हम कर रहे हैं। मतलब किस तरह से स्लिप स्टिच होती है, किस तरह से सिंगल क्रोशिया होता है, या फिर किस तरह से गोल वाला जो है डिज़ाइन बनता है, और आज जो है वो हम चौकोर डिज़ाइन बना रहे हैं। उसके बाद में कुछ और जो फैंसी डिज़ाइंस होती हैं क्रोशिए की, हम वो करेंगे। अब कॉर्नर आ गया, तो कॉर्नर में आपको पता है 1, 2, 3 एंड 4 चार ले लिया। वापस से इस कॉर्नर को फिनिश करने के लिए हमको डबल क्रोशिया, डबल क्रोचेट तीन बार ले लेंगे। एक बार हो गया, अब ये दो बार और ये तीसरी बार। इस तरह से ये कंप्लीट हो गया यहाँ, और इस जगह ये कंप्लीट हो गया। यहाँ से हमने शुरू किया था, और अब हम इसको, ये चूँकि हम इसको अगर एक साथ ले रहे हैं तो एक हम कम कर देंगे, और एक डबल क्रोशिया हम कम करके और इसी के साथ हम इसको मिला देंगे। जो इसका तीन चेन के बाद जो जगह है उसमें से हम इसमें एक स्लिप स्टिच ले लेंगे, इस तरह से, इस तरह से। और स्लिप स्टिच लेने के बाद में ये हम इसको यहाँ ख़त्म करते हैं। तो इस तरह से ये आपने देखा कि अगर मैं यहाँ से, मतलब दोबारा और बनाऊँगी तो और बड़ा बनता जाएगा, लेकिन अगर हम इसको अभी फिनिश करा हुआ मानते हैं तो ये इस तरह से बना हुआ है। पहले गोल बनाया, और गोल बनाने के बाद हमने चार जगह बना लिया और चार जगह जाली दे दी। चार जगह जाली देने के बाद में जाली में हमने वापस से डबल क्रोचेट करके और कॉर्नर पे चार चार जो हैं वो उनके द्वारा हमने ये इस तरह से किया है। तो और अगर हम ज़्यादा बढ़ाएंगे तो इस तरह से ये बड़ा बन जाएगा। थैंक यू।